ज्यादा थक जाओगी। मेरे पति बहुत सोचते हैं मेरा। गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण, कैसे हो आप सब? हम एकदम मस्त बढ़िया। और आज की सुबह हुई है पर आपको अंधेरा दिख रहा होगा। आज मैं अंधेरे में जॉब पे जा रही हूँ। नहीं ऐसा नहीं, सेम टाइम पे ही जा रही हूँ पर पता नहीं आज थोड़ा वेदर अच्छा नहीं है, बारिश बहुत है तो अभी तक अंधेरा ही है। जैसा हमने दरवाज़ा खोला बाहर देखा तो बहुत अंधेरा, आज थोड़ा वेदर ऐसा ही लग रहा है। तो मैं भी आपको अंधेरे में दिख रही हूँ, आज तो अंधेरे में जा रही हूँ, शायद अंधेरे में ही आऊँगी। तो बस चलते हैं जॉब पर, इसीलिए मैंने रोशा थोड़ा दिखा देती हूँ। बहुत बारिश है और बिजली भी हो रही है बाहर, तो बस जल्दी से जॉब पर पहुँचते हैं। बारिश में वापस किया है फिर भी आगे देख नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा है बारिश। गुड मॉर्निंग जय कृष्ण एंड वेलकम बैक टू पूजन डायरीज। आवर फ्रेंड्स आई एम गुड फाइन हेल्दी। और बस ये मॉर्निंग हो चुकी है, रेडी हो गया, दिया कर दिया और जाना था करता हूँ अभी। तो बस आज तो सुबह में इतनी ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्त वाली बारिश हुई, बहुत डरा दिया था सुबह में तो। मतलब ऐसे ऐसे बादल गरज रहे थे जैसे कुछ पहाड़ गिर रहा हो या बिल्डिंग गिर रही हो, ऐसा हो रहा था। ओह माय गॉड, इट वाज सो स्कैरी। तो पूरी तभी जॉब के लिए निकली थी तो मैंने तो तुरंत उसको फ़ोन किया, बताया भाई सब ठीक है ना। तो देखते अभी, और अभी वापस देखो एकदम सन आ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो सुबह में। सी ऐसे ऐसा है सब। और बस अभी देखते हैं, और आज टिंडा का साग बनाऊंगा, टिंडा वो कल के लिए। यस, तो आज वो बना दूंगा, फिर शाम के लिए मग बनाऊंगा। हम मोस्टली वेडनेसडे को मग ही खाते हैं, अभी ऐसा हो रहा है शेड्यूल तो पता नहीं, वेडनेसडे मग ही आ जाता है हमारा। तो देखते हैं अभी, और बाकी बस इनकम टैक्स का तो काम चालू ही है, एक दो फ्रेंड्स का भी आया वापस के करना है तो कर देते हैं, उसमें क्या है, हमारा भी टाइम मस्त हो जाएगा और काम होता रहेगा तो अच्छा लगेगा। और बाकी बताओ, आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है वीडियो, हमारे व्लॉग्स कैसे हैं। और अभी फेस्टिव सीजन से तो सब मज़े कर रहे हैं। यस, एन्जॉय एन्जॉय, वी आर ऑल्सो एन्जॉइंग, हम भी एन्जॉय करते हैं मस्त। ठीक है, मिलते हैं बाद में। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी बस 4 बजे है और खाना बना लेता हूँ, अभी देता हूँ थोड़ा नाश्ता पहले कर लेता हूँ, नाश्ते के बिना दिमाग काम नहीं करता। तो नाश्ता बना देता हूँ, नाश्ता कर लेता हूँ और फिर चलो देखते हैं। आज मग बनाऊँगा और कल के लिए मैंने टिंडे का साग बना दिया, टिंडोड़ा। तो बस अभी आज सोचा थोड़ा स्टैंड पे रख के बात की जाए, कैसा लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे भी बस से चलो। तो फिर खाना बना के फिर वापस मिलता हूँ। हाउ आर यू ऑल, आई एम फाइन गुड। और शाम हो चुकी है और रोटी बना रहा हूँ, रोटी कहते हैं। इतनी सारी बना दी है, देख इसमें मग है वो बाद में बनाता हूँ। रोटी अभी काफ़ी अच्छी बनने लगी है, आई एम हैप्पी।
बस पूरी को थोड़ा लेट हो गया, उसने बोला तो मैं सोचा चलो मैं बना देता हूँ सारा कुछ और वेट करते हैं उसका, थोड़ी देर बाद आएगी वो, तब तक बना देता हूँ मैं सारा कुछ। ये सलाद बना दिया है मैंने, लुक एट दिस, इसमें चाट मसाला और नमक डालूंगा, नमक की सब्जी रेडी। यस ऑलमोस्ट रेडी है, चल रहा है, प्रोसेस में है। खाना बना दिया, रेडी हो गया एकदम, वासन भी घीस लिए और ये भी क्लीन कर दिया। और हमारे साथ आज कोई जुड़ा है, थोड़ा जल्दी आके ये देखिए आराम आराम फरमा रहे हैं, थोड़े जल्दी आ गए तो मैं आराम करूँगी, बोला करो मजे करो मजे, तो बैठे हुए हैं अभी, देखते हैं कुछ सोच खोद कर रहे हैं, पता नहीं क्या कब से आए हुए हैं और सोच खोद में पड़े हुए हैं अपने पार्लर। एक सरप्राइज नेक्स्ट मंथ पता चलेगा। अच्छा नहीं बताना? नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ डायरेक्ट दिखाऊंगी। दिखाओगे मतलब? हाँ, डायरेक्ट दिखाऊंगी क्या किया है वो। ठीक है तो क्या कहना चाहते हो आप? बस आज ये बाल सब, बस आज जल्दी आ गई। Okay. जल्दी तो नहीं आई, अभी जस्ट टाइम हो, हाँ सिर्फ एक सेकंड हुई है और बस ये थोड़ा आराम कर रही थी। okay. नहीं मैंने फिर थोड़ा साफ कर दू, थोड़ा क्लीन करो, जनक ने बोला नहीं आराम करो जल्दी आई हो तो, वरना वापस कर ऐसा कैसे तो, थक जाओगे ज्यादा। हाँ ज्यादा थक जाओगे, मेरे पति बहुत सोचते है मेरा। सोचना ही पड़ेगा ना, आप मेरे बारे में इतना सोचते हो तो मुझे तो आपके बारे में सोचना ही पड़ेगा। और मैंने सही बात है कि नहीं, मैं सही बोलता हूँ? अरे सुबह मैंने आप लोगों को दिखाया था वो बारिश वाला एटमॉस्फेयर, पूरा ब्लैक ब्लैक। अच्छा। काला काला सब, और अभी बाहर इतनी गर्मी है, पूरा तड़का है, एसी चालू करना पड़ेगा। ऐसा है, और देखते मैं कुछ देख रही थी ऑनलाइन, दिखाएंगे कुछ ऑर्डर करूंगी फिर आपको नेक्स्ट मंथ दिखाऊंगी। ठीक है तो याद रखना दिखाना, फिर ऐसा ना हो। हाँ यार मैं बोलती हूँ दिखाऊंगी फिर मैं खुद ही भूल जाती हूँ। नहीं नहीं दिखाऊंगी, याद करवाना, दिखाऊंगी। ठीक है। और आज स्पेशल खाने में क्या है? खाने में अभी तो मुझे पूछना पड़ता है। हाँ अभी उसको पूछना पड़ता है कि क्या बनाया है। ठीक है वो देखते हैं, उसका रिएक्शन देखेंगे, टेस्ट कैसा है वो, कैसा का टेस्ट बताओ, क्या रिव्यू है आपका। अरे अभी तो मास्टर हो गया, ये तो मास्टर शेफ, मेरे मास्टर शेफ है ये। ओके एकदम बेस्ट। और दूसरा क्या है सरप्राइज में? और आज जनक ने सरप्राइज में रखा है मेरे लिए सलाद, ये वाला। ये मेरा फेवरेट है, फेवरेट। ठीक है। और हमारे यहाँ तो अभी नेक्स्ट मंथ से मेला लगेगा। यस सोमनाथ का मेला। हाँ सोमनाथ में एक महीना, सोमनाथ में मेला लगेगा। सोमनाथ में एक महीने का मेला होता है, मतलब पूरे श्रावण महीने का मेला होता है। मैंने लास्ट टाइम बहुत सारे व्लॉग बनाए थे उसके। हाँ अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो वो लास्ट ईयर के व्लॉग देखना, लिंक यहाँ ऊपर कर दूंगा, उसमें देखना। Yes. मस्त होता है उसमें, बहुत अच्छा। अगर वहाँ पे कोई आपको नजदीक पड़ता हो बिल्लीमोरा से तो आप जा सकते हो ट्रेन में या फिर बाय रोड। yep. बहुत बड़ा मेला होता है वो, जबरदस्त, बहुत मजा आता है। और हमारे यहाँ तो सब लोग मतलब वो क्या बोलते हैं बाहर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करने आते हैं ना। वो भी आते हैं, चार धाम जैसा भी करते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारे शिवलिंग के वो है ना मंदिर, शिव जी के मंदिर बहुत है, सोमनाथ का है, फिर रंधेश्वर अमलसर में है, फिर कामेश्वर में है, वो गड़त के पास, गड़त में है कामेश्वर, और फिर मल्लिकार्जुन है चिखली के पास, चिखली के पास, और गंगेश्वर है अमलसर में आगे। हाँ, कछोली गांव में। हाँ। पांच धाम तो ऐसे हो जाते हैं। हाँ। तो सब लोग ऐसे मतलब मोस्टली निकलते है। हाँ, सूरत वहाँ से भी सब, सूरत नवसारी बड़ोड़ा भरूच सब जगह से बस भर भर के, बस भर भर के सूरत से मैक्सिमम आती है बस। तो अगर आप नजदीक में हो, अगर आपको ना पता हो तो आप आ सकते हो दर्शन करने के लिए। यस नेक्स्ट मंथ से शुरू होगा। हाँ
और ऐसा नहीं है कि मंदिर है वो नेचुरली है राइट मतलब हाँ ऐसा है तो आ सकते हो दर्शन करने मेले में भी घूम सकते हो बहुत मजा आएगा बहुत मेला भी खाना मेला, पीना भी और मेला मेला जैसा नहीं होता बहुत बड़ा अच्छी सी चीजें भी बहुत मिलती है उधर घर के लिए खुद के लिए मतलब अच्छा बच्चों के लिए बैग्स किचन खाना पीना सारा कुछ मिल जाएगा वहाँ पे बस अभी आएगा वो सब तो मजे कीजिए यस क्या करें ब्लॉग यही पे एंड कर दे हाँ चलो अभी इधर आज का ब्लॉग यही पे एंड करते हैं फिर कल मिलते हैं इसी समय पे हम और कमेंट करके बताइए आप लोग जाओगे कि नहीं जाओगे हाँ, मेले में और हम लोग ऐसा होता देखते हैं ना क्लिप मंगवा के आपको दिखाएंगे भी थोड़ा है ना दोस्त को बोलेंगे कैसा है यस हम भी देखेंगे आपको भी दिखाएंगे हमारे साथ आप लोग भी एंजॉय करना है तो आपको जाना हो तो भी आप जा सकते हो मैं मंगवा लूंगा क्लिप हम रख देंगे वहाँ का और शिव जी को तो इतना अच्छा रेडी करते हैं पूरे महीने डेली ऐसा नहीं कि सिर्फ सोमवार ऐसा कुछ भी डेली पूरा महीना होता है वो हाँ लास्ट टाइम हमने किया था हाँ, लास्ट टाइम एक या दो दिन हमने पूरा हमने मेरी तरफ अगर आपको मतलब ऐसा भी कुछ करना हो तो आप कर सकते हो वहाँ ऑफिस में जाके पूछ सकते हो हाँ शिव जी को आप पूरा रेडी कर सकते हो मंदिर पूरा सजा देते फूल से डेली रात को वो लोग नहलाते हैं फिर पूरा लास्ट ईयर जनक गए थे वहाँ पर वो भी दिखाऊंगा चलो कल के ब्लॉग में रखूंगा वो हाँ वो रख देना है ना अगर किसी को करना हो तो वो कर सकते हैं ऐसा सब भी ठीक है चलो तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं कल मिलते हैं फिर टिल देन टेक केयर एंजॉय स्टे हैप्पी और मजे कीजिए और खुश रहिए और एक दूसरे के साथ टाइम बिताइए ये Enjoy. Bye-bye. Bye. Take care. Good night. Jai Shri Krishna.